जिला कांगड़ा के अपर लंज पंचायत के कोड़िया गांव में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस व भाजपा के किसी भी नुमाइंदे ने उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय समन्वयक बच्चन सिंह राणा ने सरकार से इन लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिमाचल प्रदेश की एक बैठक आज जिला कांगड़ा के ऊपर लंज पंचायत के कोड़िया गांव में महासभा से राष्ट्रीय समन्वयक बच्चन सिंह राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों ने भाजपा कांग्रेस के नेताओं के प्रति कड़ा रोष प्रकट करते हुए कहा कि दोनों दलों की सरकारों के नुमाइंदों ने इस गांव के साथ लंबे समय से अनदेखी की, जिस वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस गांव में हर 3 दिन बाद पीने का पानी मिलता है, वहीं गाँव में 2 हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत भी काफी खराब है और स्कूलों के लिए पर्याप्त भवन भी नहीं बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लंज अस्पताल का दर्जा बढ़ने के बाद भी डॉक्टरों की कमी है और एम्बुलेंस का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस अवसर पर बच्चन सिंह राणा ने गांव की समस्याओं का समाधान न करने पर नेताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि महासभा जल्द इस गांव की समस्या को मुख्यमंत्री, जिलाधीश कांगड़ा व आईपीएच विभाग के समक्ष ज्ञापन देकर समाधान करवाएगी। हेल्थ के बारे में इनका जो आपका लंच का जो हॉस्पिटल है उसमें आपने देखा कि वहाँ इन्होंने बताया कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कभी नर्स नहीं मिलती, फर्स्ट एड वगैरह भी करना होता तो उसके लिए बहुत दिक्कत है यहाँ लोगों को। कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, जो 1108 एम्बुलेंस मिलती है वो कभी यहाँ आती नहीं है, दिखी नहीं है आज तक 4-5 साल से। और दूसरा इनका मुद्दा था स्वास्थ्य का, ये मुद्दा रह गया था। और दूसरा इनका जो मुद्दा पानी का मुद्दा, पानी देखिए इस पूरे लंच में मुझे ऐसा लगता है जैसे सुनने को मिला कि पानी यहाँ पर दूसरे या तीसरे दिन आता है और हैंडपंप की व्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि हैंडपंप लोगों के पास है नहीं। तीसरा जो पानी है वो फिल्टर नहीं है, पानी बहुत गंदा पानी आता है, तो पानी की मेन समस्या है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, यहाँ पर बच्चे बीमार रहते हैं, तो ये बड़ी समस्या पानी की है। तीसरा इनका एजुकेशन का एक स्कूल है प्राइमरी, स्कूल के कमरे अभी गिर रहे हैं, तो इतनी बुरी हालत है कि देखकर तरस आता है। चौथा इनका जो सैनिटेशन का मुद्दा मैं देख रहा हूँ कि सैनिटेशन जो अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम चली थी शौचालय की, तो शौचालय स्कीम में भी बहुत कम लोगों को शौचालय का लाभ मिला है, तो बाकी लोग वंचित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके ओपन में जाना पड़ता शौचालय, तो वो अपने आप में एक पानी नहीं है, दूसरा शौचालय जाना पड़ता, तीसरा सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ ये गंभीर समस्या है। चौथा सड़क की इतनी गंभीर समस्या है कि बस नहीं है यहाँ पर, अगर किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है, एम्बुलेंस नहीं है, बस नहीं है, तो वो कैसा कहाँ जाएगा। और 1-2 डेथ हो गई हैं ऊपर, इसी तरह हो गई क्योंकि समय से वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए जवाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।